ओके गाइस सो एक्सरसाइज में आपके पास सबसे पहले ब्लैंक्स है और पहली फिल्मी ब्लैंक में आपसे पूछता है यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर क्रिएट्स अ डैश नंबर ऑफ कॉपीज इन अ लेबोरेटरी टेस्ट ट्यूब सो स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज है वो थोड़ी सी बनाती है आपके पास स्मॉल नंबर ऑफ कॉपीज ठीक है थोड़ी कॉपीज बनाती है अगर आपको ज्यादा चाहिए तो आप रिकम्बी डीएनए डी एन ए जो है उसको अडॉप्ट करवा सकते हैं डैश फ्री लिविंग ऑर्गेजम्स इन द इन्वायरमेंट डैट हैड अ फॉरन जीन इंसर्टेड इनटू इन टू दैम ट्रांस जो कि मुख्तलिफ जीन्स को अपने अंदर रख के सर्वाइव करते हैं सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर टू इज ट्रांस जेनिक ट्रांसैंड बैक्टीरिया हो सकते हैं एनिमल्स हो सकते हैं प्लांट्स हो सकते हैं कोई भी हो सकता इसी भी है इसी तरीके से वो आपसे पूछता है डैश नोन सीक्वेंस ऑफ डी एन ए डाटा यूज टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए स्ट्रेंड कैन बी यूज डायग्नोस्टिकली टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर जीन तो स्पेसिफिकली नोन आपके पास जो है सिमेट्रिकली स्पेसिफिकली नोन जो आपके पास है सिक्वेंस uh, उससे आप लोग जो है वो एक नया स्टैंड जो है उसको कॉम्प्लीमेंट uh, करवा सकते हैं इसी तरीके से डैश प्रोडक्शन ऑफ मेनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ तो अंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोड्यूस करती है आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ अ जीन डीएनए टेक्नोलॉजी इसी तरीके से डैश uh, इस डैश सेल्फ डुप्लीकेटिंग रिंग ऑफ एक्सेसरी डी एन ए इन द साइड ऑफ प्लाज्मा ऑफ बैक्टेरिया एंड दैट इज प्लाजमिट प्लाजमिट जो है वो बेसिकली एक्सेसरी डी एन ए है और सर्कुलर है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी इस रिकम्बिनेट डी एन ए टेक्नोलॉजी के अंदर इसी तरह आपके पास एम सी क्यूज हैं बिज ऑफ दीज इज द ट्रू स्टेटमेंट बहुत प्लाज्मा वायरसेज कैन सर्व एज कैन कैरी डी एन ए बट वायरसेज कैन नॉट

तो आई थिंक ऑल ऑफ आर करेक्ट सो आंसर इज ई अगैन थर्ड वन आपसे वो पूछ रहा है कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पोलिमोरफिज आर एफ एल आर अचीव बाई यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एनजाइम्स आइडेंटिफाई इंडिविजुअल जीन्स आर द बेसिस ऑफ डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग कैन बी सब्जेक्टेड टू जेल करेक्ट सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट ई फोर्थ वन Which of, the, which of these would you not expect to be a biotechnology product? Vaccine, modified enzyme, protein hormones, steroid hormones, or DNA probes? So, are DNA props, we are inducing them. And we are making copies of them. So, answer is C. Fifth one is, uh, what is the benefit of using a retrovirus as a vector in gene therapy? It is not able to enter the cell it incorporates the foreign gene into the host chromosome it eliminates a lot of unnecessary steps it prevents infection by other viruses both b and c are correct both b and c are correct so answer is e 6 1 gel electrophoresis cannot be used on nucleotides measure the size of plasmids tells whether viruses are infectious measures the change and size of proteins and dna fragments all of these are correct basically gel electrophoresis measures the change and size of proteins and dna fragments so answer is d seventh one is which of these is incorrectly matched protoplast plant cell engineering करेक्ट ऑप्शन सो आंसर इज डी ऑल राइट नाउ गोइंग टूवर्ड द्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है हाउ एंड वाई ट्रांसिक एनिमल्स डेट सी क्रिएट आर प्रोडक्ट आर ओपन क्लॉट ट्रांसजेनिक आपके पास एनिमल जो कि सिक्रीट करते हैं स्पेसिफिक आपके पास प्रोडक्ट उनको हम लगातार क्लॉन क्यों करते हैं उसको हम लोग क्लॉन इसलिए करते हैं कि उससे जो प्रोडक्ट हमें मिल रही है लगातार वो हमें मिलती रहे और उसकी जो हमारी इन्वामेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो हो पूरी होती रहे तो आपके पास जो क्लॉनिंग है उसका प्रोसीजर क्या है हम लोगों ने देखा हुआ है कि आप एक सिंगल सेल को जो है वो डिराइव करवाते हैं और उसको आप लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी तमाम तर एसेंशियल जो उसको रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ्राहम करते हैं और उससे वो आपको एक स्पेसिफिक जो है वो प्रोडक्ट आपको दे देता है डॉली शीप हम लोगों ने क्लॉन भी किया बाकायदा इस तरह से आप मुख्तलिफ जो है वो जीन्स वगैरह भी क्लॉन कर सकते हैं एक्सप्लेन टू प्राइमरी गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वट आर पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो आपके पास है उसके उन्होंने गोल्स पूछे हैं और उसका जो है वो उन्होंने दूसरी चीज पूछी है कि इससे हमें पॉसिबल जो हमारे पास बेनिफिट्स है वो क्या है तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है आपको पता है कि इसके अंदर सब तमाम ऑर्गेनिजम्स जो आपके पास मौजूद हैं उन सारे ह्यूमंस का हम लोगों ने जीनोम सीक्वेंस करना है उसके न्यूक्टाइड का उसके बेस सिक्वेंस हर चीज को हम लोगों ने सीक्वेंस करके अल्टीमेटली जो है वो ये नतीजा देना है कि किस तरीके से आप किसी एक फॉल्टी न्यूक्लियोटाइड को एक फॉल्टी आपके पास जो पेयर है उसको अलग करके आप बीमारी का इलाज कर सकते हैं इसी तरीके से एक्सप्लेन एंड गिव एग्जाम्प इन वीवो uh, <laughs> तो जो हमारे पास होती हैं उनके डिफरेंट जो हमारे पास जो फर्क दोनों के अंदर वो क्या है एक्स वीवो आपको पता है कि वो आउटसाइड द बॉडी हम लोग उसे करते हैं यानी और जो आपके इन वो है उसे इनसाइड द विट्रस हम लोग जो है वो कल्टीवेट करते हैं किसी भी जीन को सो so इस तरीके से हम लोग जो है वो थेरेपीज कर सकते हैं जीन थेरेपीज एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग रिकम्बी एट डी कैन बी यूज इन जीन क्लोनिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है री कम्बी डी टेक्नोलॉजी हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था हमारा आर्टिकल आप लेक्चर भी वो नोट कर सकते हैं वो सारे का सारा इसका आंसर है जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है हाउ वुड यू लोकेट अ जीन ऑफ इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है आपको बता होना चाहिए पॉपुलेशन के जो जीन्स है वो सारे के सारे हम लोग जब सीक्वेंस करते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी में ये इसका जो पूरा आर्टिकल हमारे पास है वो सारे के सारा आप इसके अंदर लिखेंगे इसी तरीके से वट इज पोलिम्रेज चेन रिएक्शन पीसीआर सी आपके पास जो पूरा आर्टिकल है पूरा टॉपिक है वो सारे का सारा आप लोगों ने इसके अंदर पुट करना है हेडिंग्स बना बना के ताकि आपके मार्क्स भी अच्छे आए इसी तरीके से व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अ प्रोसेस दैट यूटिलाइजेस द एंटायर जीनोम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में उसके अंदर केसेज हैं डिस्प्यूट के एक दो वो भी आप लोगों ने डिस्कस करने हैं इसी तरीके से उसके अंदर आपको बताया गया कि प्रोसीजर कौन सा यूज़ किया जाता है किस तरीके से हम सीक्वेंस करते हैं लेक्चर आप लोगों के पास है वो आप लोगों ने इसके अंदर पुट करना है इसी तरीके से फॉर वट पर्पजेज हैव बैक्टीरिया प्लांट्स एंड एनिमल्स है जेनेटिकली आल्टर्ड किन परपजेस के लिए आल्टर किए जाते हैं जेनेटिकली एनिमल्स प्लांट्स और बैक्टीरिया ये तीन अलग अलग आपके पास आर्टिकल्स हैं हम लोगों ने लेक्चर दिया हुआ इसका आप भी वो वो भी देख सकते हैं और बुक को भी आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं एन कइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैट्टर यू कैन मिलास थैंक यू सो मच